नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जेड वन जेड टू हो तो हम उसको किस कंडीशन के तहत सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने देखा था कि माइनस वन इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर को हम आयटा इंटू आयटा लिख सकते हैं, और आयटा की जो वैल्यू होती है अंडर द रूट माइनस वन होती है। तो अंडर द रूट माइनस वन, अंडर द रूट माइनस वन, और अंडर रूट ये हमारे पास हो जाए माइनस वन इंटू माइनस वन यानी कि प्लस वन, और प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस वन इज इक्वल टू वन यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू वन, बट माइनस वन इज नॉट इज इक्वल टू वन। तो क्या कंडीशन है जिसके तहत हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं यानी कि कंबाइन कर दें या लिख दें, तो वो कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं कि पहले इस कंडीशन को लेकर पहले लेफ्ट साइड को लेकर चलें। तो लेफ्ट साइड को हम लेकर चलते हैं और इसको डिमोर्गनस थ्योरम की सहायता से खोल लेते हैं, यानी कि जेड वन जेड टू और इसकी पावर वन बाई टू। तो इसको हम खोल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट जेड वन जेड टू और इसका मोड, और ये हमारे पास हो जाएगा कोस ऑफ थिट्टा, मीन्स आर्ग्यूमेंट है इसका, हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं आर्ग्यूमेंट जेड वन जेड टू प्लस आयोटा टाइम्स साइन आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं जेड वन जेड टू। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे खुलता है। और इस राइट साइड को हम देखें कि इसको हम कैसे करेंगे कि जेड वन जेड वन और जेड वन को सेपरेटली हम देखें तो वन बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर द रूट जेड मोड ऑफ जेड वन और कोस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आयटा टाइम्स साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जेड वन। और जेड टू सिमिलरली ऐसे ही वन बाई टू इज इक्वल टू अंडर द रूट मोड ऑफ जेड टू और कोस ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू प्लस आयटा टाइम्स साइन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, ये है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये इन दोनों के प्रोडक्ट है, ये राइट साइड है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करके और इक्वेट कर देते हैं, यानी कि जेड वन जेड टू इसकी वन बाई टू इज इक्वल टू जेड वन वन बाई टू और इन टू जेड टू और इसकी वन बाई टू। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, यानी कि इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट मोड ऑफ जेड वन जेड टू और कोस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू प्लस आयटा टाइम्स साइन आर्ग्यूमेंट जेड वन जेड टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में ऐड हो जाता है बाय सिस प्रॉपर्टी। और सिस प्रॉपर्टी क्या है कि कोस थीटा, या हम ये देखेंगे जेड वन अगर इस फॉर्म का हो आर वन ई रेज टू पावर आयोटा थिट्टा वन, और जेड टू हमारा हो आर टू ई रेज टू पावर आयोटा थिट्टा टू। तो जैसे ही हम जेड वन जेड टू करते हैं तो हमारा हो जाता है आर वन आर टू और ई रेज टू पावर आयोटा और थिट्टा वन प्लस थिट्टा टू, ये हो जाता है थिट्टा वन प्लस थिट्टा टू हो जाता है। तो यानी कि आर्ग्यूमेंट दोनों के सम का हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकी तो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रहेगी मोड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड टू और कोस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ मीन्स थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, और क्योंकि डिवाइड बाय टू है यानी कि वन बाई टू है हमारे पास। यहाँ हम इसकी बात करें इसमें भी हमारे पास यही बात आएगी, और इसको भी हम देखें इसको हम ऐसे लिखेंगे वन बाई टू,
क्योंकि जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी, वन बाई टू, यहाँ भी वन बाई टू, और यहाँ भी वन बाई टू आएगा, और यहाँ भी वन बाई टू आएगा, और यहाँ भी वन बाई टू आएगा, यहाँ भी वन बाई टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसकी कुछ पावर हो, मान लिया हमारे पास वन बाई टू है, तो वन बाई टू एंगल में चली जाती है, तो वन बाई टू ही आ जाएगा सभी सभी केस में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ भी वन बाई टू है, और यहाँ भी हमारे पास वन बाई टू है, और यहाँ भी वन बाई टू आएगा, प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू और डिवाइड बाई टू, ये आया है। यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर आई है। और हमने क्या शो करना है कि ये, क्योंकि हमने यही तो शो करना है, अंडर रूट अलग अलग से हो जाए, तो हमने क्या शो करना है कि ये इसके बराबर हो जाए। तो ये इसके बराबर कब होगा, जब ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाए, और ये हमें पता है, ये जो क्वांटिटी है ये ऐसे है, जैसे हम ये, हमें ये पता है कि ए रेज टू पावर आयोटा थीटा है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, पहली कंडीशन। तो जो भी हमारे पास ई रेज टू पावर समथिंग ही होगा, ये सारा कुछ ये भी ई रेज टू पावर समथिंग होगा, तो ये कभी भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये हमारे पास दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ज़ीरो नहीं है तो दोनों को कैंसिल्ड आउट कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके आर्ग्यूमेंट इक्वल होंगे। तो इनके आर्ग्यूमेंट इक्वल कब होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा कब, जब ये कैंसिल हो जाए, ये सारा पोर्शन यहाँ से, ये सारा पोर्शन हट जाए, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कब हटेगा, जब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो, जब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम किस कंडीशन में होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू और डिवाइड बाय टू, ये क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन होती है, ये हमारे इसके बराबर हमने लेके चलना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट जेड टू और डिवाइड बाय टू, ये कब बराबर होता है, ये टू से टू तो दोनों तरफ से कैंसिल, ये कब बराबर होता है, जब इफ एंड ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू और लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इक्वल होते हैं। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दोनों तरफ से इसको और इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट मोड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन अंडर द रूट मोड ऑफ जेड टू। तो यानी कि जब भी हमारे पास ये कंडीशन होगी आर्ग्यूमेंट के बीच, तो ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। रियल एनालिसिस में भी देख लेते हैं कि अंडर द रूट ए बी, ए बी होगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी, कब होगा, इफ इफ ए पॉजिटिव, या ऐसा हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इफ बी पॉजिटिव, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है इफ ए भी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव, और अंडर द रूट ए बी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए अंडर द रूट बी इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन बी। कहाँ से आई है ये कंडीशंस, ये और देख लेते हैं। ए पॉजिटिव मीन्स रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस पे तो ये होल्ड कर ही जाएगा, बी पॉजिटिव रियल एक्सिस, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव भी हो जाए तो भी, नेगेटिव भी हो गया तो पाई तक जाएगा, नेगेटिव हो गया अगर ए पॉजिटिव है, अगर बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई होगा, और पाई इस कंडीशन में है,
तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर बी पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है कि ए नेगेटिव हो जाए, ए नेगेटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये रियल एक्सिस पे लाई करता है और इसका मतलब बी का आर्ग्यूमेंट है वो जीरो हो जाएगा, और ए अगर नेगेटिव हो गया तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई हो जाएगा, तो पाई इसमें है, तो ये इस कंडीशन के लिए भी कंडीशन होल्ड करती है, इसके लिए भी। और अगर दोनों ही हैं तो दोनों ही रियल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो उनके लिए आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये क्यों फेल हो जाती है, अगर ये ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और ए नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई होगा। सिमिलरली बी भी नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट भी पाई होगा, और ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में है तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो जुड़ जाता है, यानी कि पाई प्लस पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई हो जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ये होगा नहीं, ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जब जब भी हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हो अंडर रूट के अंदर, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। कब लिखेंगे, जब उसके मॉडुलस वैल्यू, जब उनकी जो मॉडुलस वैल्यू, एटलीस्ट वन मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव हो। इनफैक्ट जो मॉडुलस है वो तो पॉजिटिव होता ही है, तो इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो इनफैक्ट मेन चीज़ ये है कि Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन में है, उसका दो जो सुखे रूट अलग अलग से होगा, अगर अगर उनके सेपरेट आर्ग्यूमेंट निकाल लें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और उनका सम कर दें और वो सम माइनस पाई से ग्रेटर रहे और प्लस पाई से ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू रहे, तभी हम इस कंडीशन को ऐसे खोल पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।